नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से 29 जुलाई दिन शनिवार पद्मिनी एकादशी के दिन बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग, गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग 12 राशियों में से इन 6 राशि वालों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। यूं कहें कि ये राशि वाले होंगे करोड़पति, ये राशि वाले अब होंगे धन से मालामाल। स्वयं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी अब 12 राशियों में से इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं। यूं कहें कि स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी इन राशि वालों के घर पधार रहे हैं, जिससे इन राशि वालों के जीवन की सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। अब इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे अब इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, ये खुशनसीब भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से 29 जुलाई दिन शनिवार पद्मिनी एकादशी के दिन करोड़पति बनने वाली है। इन राशि वालों को स्वयं विधाता भी करोड़पति बनने से नहीं रोक सकते। इन राशि वालों को अब जीवन में मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं जो कि पद्मिनी एकादशी के दिन धन से मालामाल होने वाली है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दें। इसके साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आपको बता दें, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी व्रत के लिए कोई चंद्रमास निर्धारित नहीं है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस व्रत को अधिक मास एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी व्रत 3 वर्षों में एक बार रखा जाता है। माना जाता है कि ये एकादशी व्रत रखने से साधकों को पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बता दें, श्रावण अधिक मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई को दोपहर 2:51 से होगी। इसके साथ ही इस तिथि का समापन 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर हो जाएगा। ऐसे में पद्मिनी एकादशी व्रत 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि इस विशेष दिन पर ब्रह्म और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। पद्मिनी एकादशी व्रत प्रारंभ 30 जुलाई को सुबह 5:41 से सुबह 8:24 के बीच किया जाएगा।
बता दें पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान के भजन या मंत्रों का पाठ करें। इस दिन एकादशी व्रत कथा सुनें। भगवान को भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। ब्राह्मणों को फलहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोलें। दोस्तों बता दें एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले के दिन से कुछ जरूरी नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस मछली प्याज मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों पूजा की सामग्री में पान लौंग सुपारी कपूर पीला चंदन अक्षत पानी से भरा नारियल पंचमेवा कुमकुम हल्दी धूप दीप तिल मिष्ठान अनार फूल घी पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध शहद और शक्कर चावल तुलसी गोबर केले का पेड़ मिठाई मौली इत्यादि अवश्य रखें। इन चीज़ों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो सभी व्रतियों को श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रित किया जाता है। उद्यापन पूजा में तांबे के कलश में चावल भरकर रखें। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। पूजन के बाद हवन होता है और सभी ब्राह्मणों को फलहारी भोजन करवाकर वस्त्रदान आदि दिया जाता है। अधिक मास की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तप तपस्या यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है। मान्यता ये भी है कि अधिक मास एकादशी व्रत रखने से साधकों को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और जीवन में विशेष लाभ मिलता है। इसके साथ शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि ये व्रत रखने से व्यक्ति को यज्ञ तप और दान के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों आपको हम बता दें कि इस दिन यानी पद्मिनी एकादशी के दिन गुरु पुरुष योग अमृत सिद्धि योग महालक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है जिसमें से 12 राशियों में से कुछ राशि वालों को धन लाभ प्राप्ति के योग हैं। ये राशि वाले धन से मालामाल होने वाले हैं और अब करोड़पति बनने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इन राशि वालों को स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकता। इन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बन गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? आजकल की दुनिया में मनुष्य के लिए पैसा बहुत ही जरूरी चीज हो गई है। बिना पैसे के मनुष्य कोई भी कार्य करने में समक्ष नहीं हो पाता। यदि किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है तो उसमें धन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। बिना धन के कोई भी कार्य संपन्न
हो ही नहीं पाता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन की कमी कभी ना हो। वो अपना जीवन सुख वैभव के साथ व्यतीत करना चाहता है, जिसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है, जिससे वो बहुत सारा धन अर्जित कर सके। परंतु इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मनुष्य को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और वे सोच में पड़ जाता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता हासिल क्यों नहीं हो पाई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य को मेहनत करने के साथ साथ उसकी किस्मत भी उसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि यदि किस्मत साथ ना दे तो मनुष्य को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती, और यदि किस्मत साथ दे तो मनुष्य अपनी कम मेहनत में ही अपनी इच्छा अनुसार सफलता प्राप्त कर सकता है। उसको सभी सुख वैभव की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। हिंदू धर्म में ग्रह नक्षत्रों और राशियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यदि ग्रहों या फिर किसी नक्षत्र पर भी छोटा या बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है तो इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है। कुछ लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो वहीं कुछ लोगों पर इसका बुरा समय के साथ साथ व्यक्ति को उसके जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सोई हुई किस्मत अब भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से चमकने वाली है, और इन राशि वालों के जीवन के अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बात की बात हम कर रहे हैं। उनमें जो पहली राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी आपके ऊपर बहुत मेहरबान हो रहे हैं, और इनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपको जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी। सालों साल से आपके रुके हुए कार्य अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कर्जों से मुक्ति पाने में कामयाब भी रहेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। व्यापार में अचानक धन लाभ होगा और सुख शांति का वातावरण आपके घर में बना हुआ रहेगा। साथ ही साथ मकर राशि वालों, आपके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। हालांकि इस राशि के लोग अपने उग्र स्वभाव पर थोड़ा संयम रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगली राशि की बात करें तो अगली राशि है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों को बता दें कि इस समय शुभ महासंयोग से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपको अब लाभदायक समय देखने को मिल सकता है। आपके लिए इस समय में अब लाभदायक स्थितियां बनी हुई है। आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने भविष्य के लिए जो योजनाएं आपने बनाए रखी है वे योजनाएं सफल होंगी, और उन पर अमल करने का समय भी आ गया है। उन पर अमल करें, सफलता आपके साथ रहेगी। साथ ही साथ अब आपको कई बड़े फायदे देखने को मिलेंगे। व्यवसाय के नए रास्ते बनते नजर आएंगे। जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं उनको पद में उन्नति मिलेगी और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति का
सुख मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इस राशि वालों को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से समय आपके लिए अनुकूल है। समय का भरपूर लाभ उठाएं। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशि है, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब इस समय खुशियों की सौगात लेकर आया है। जी हां दोस्तों, आपके लिए बहुत ही लाभदायक समय सिद्ध होगा। परिवार में सुख शांति आएगी। आपके रुके हुए समस्त कार्य अब समय पर पूरे होंगे। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। परिवार में कुछ नई चीजों का आगमन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से समय आपके लिए कन्या राशि वालों बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। अब बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि की, तो वो है मीन राशि। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि वालों पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी अत्यंत मेहरबान हैं। अत्यधिक कृपा आपके ऊपर बन रही है। मीन राशि वालों, भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी का नाम लेकर कोई भी कार्य शुरू करेंगे या नया कोई बिजनेस शुरू करेंगे, आपको उसमें अवश्य ही बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपके साथ आप सामाजिक रूप से अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के योग बन रहे हैं। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, मीन राशि वालों, अब आपको वे सभी खुशियां प्राप्त होगी जिनके आप हकदार हैं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको अब अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की, तो वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों को बता दें कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए बहुत ही शुभ महासंयोग का निर्माण हो रहा है। इन राशि के लोगों के कार्य और विचारों में एकाग्रता और शांति रहेगी। आप लगातार सफलता की नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल करेंगे। आप अपनी मेहनत से ही जो भी कार्य भी लगे हुए हैं वे कार्य सफल होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आपको धन लाभ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय में भारी धन लाभ आपको प्राप्त होगा। आप जल्द से जल्द कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं, जिससे अपने घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से कुंभ राशि वालों, समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और घर परिवार में खुशियां आएंगी। बात करते हैं अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की, तो वो है तुला राशि। जी हाँ, तुला राशि वाले लोगों को बता दें, आपके ऊपर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि बन रही है, जिसकी वजह से आपको अत्यंत भारी धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनको पद में तरक्की मिलेगी और साथ ही साथ वेतन वृद्धि के भी
योग हैं। जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, इन राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको संतान प्राप्ति का भी शुभ सुख अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ आपका प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशमय और आनंद पूर्वक रहने वाला है। दोस्तों बता दें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से तुला राशि वालों, समय पूर्णता आपके पक्ष में है। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वे कार्य आपका अवश्य ही सफल होगा। इस समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से जाने ना दें। दोस्तों बात करते हैं अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की, तो वो राशि है वृषभ राशि। दोस्तों वृषभ राशि वाले लोगों को बता दें कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आने वाली है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, इस समय नए अवसर की तलाश में जो है उन्हें वो अवसर प्राप्त होगा जिसकी वजह से आपके जो भी कार्य है वो सफल होते चले जाएंगे। आपके साधनों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वो योजना भी आपकी अवश्य सफल होगी। वृषभ राशि वाले लोगों, आपके लिए धन लाभ के लिए अनेकों अवसर प्राप्त भी होने वाले हैं। यूं कहें कि धन लाभ प्राप्ति की आपके अनेक योग बन रहे हैं। स्वयं मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से इस समय आपके लिए अनुकूल है। आप लोगों को बता दें कि आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन प्राप्ति आपको होने वाली है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों बात करते हैं अगली खुशनसीब और भाग्य शाली राशि की, तो वो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों को बता दें कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको कोई शुभ संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको अवश्य ही फायदा प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपके रुके हुए कार्य सफलतापूर्वक बनेंगे। दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। साथ ही साथ इस राशि के व्यक्तियों को परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी अटके हुए कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बन रही है जिसकी वजह से आपके धन संबंधित सभी परेशानियां दूर होंगी। जो भी आपके रुके कार्य है वे अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। समय आपके लिए अनुकूल है। समय का भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों ये थी वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां जिनको भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से बहुत बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होने वाली है। यूं कहें कि ये राशि वाले मालामाल होने वाले हैं। इनको अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अवश्य ही प्राप्त होने वाली है जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। दोस्तों आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी, जय श्री विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।